हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द नाइन्थ पार्ट ऑफ द टॉपिक शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। और पिछले लेक्चर में हमने पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर और उसका सिग्निफिकेंस देखा था। एंड इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टडी व्हाट इज साइन कन्वेंशन इन एनालिसिस ऑफ शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। मतलब अगर हमें किसी भी बीम का शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करना है तो उसके लिए साइन कन्वेंशन याद रखना बेहद ज़रूरी है टू सॉल्व द न्यूमेरिकल्स। तो ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स एग्जाम्पल सॉल्व करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, लेक्चर नंबर 9। सो डोंट फॉरगेट टू लर्न साइन कन्वेंशन बिफोर स्टार्टिंग विद द न्यूमेरिकल पार्ट। सो नाउ विल क्विकली मूव टूवर्ड्स द कंटेंट। फॉर शियर फोर्स कैलकुलेशन, मतलब शियर फोर्स का कैलकुलेशन करने के लिए, जैसा कि हमने मालूम है कि शियर फोर्स क्या है, सम ऑफ ऑल दी वर्टिकल इम्बेलेंस फोर्सेज इधर टूवर्ड्स लेफ्ट और टूवर्ड्स राइट ऑफ द क्रॉस सेक्शन, मतलब क्रॉस सेक्शन के या तो लेफ्ट या फिर राइट पे ओवरऑल सम ऑफ द शियर फोर्स क्या होता है। मतलब सपोज हम लेफ्ट जाते हैं तो ये एक फोर्स नीचे है, एक मैग्नीट्यूड का फोर्स ऊपर जा रहा है, तो इसका टोटल सम क्या हो रहा है। या फिर हम राइट पे कैलकुलेट कर सकते हैं कि एक फोर्स नीचे है एक फोर्स ऊपर है, तो टोटल इसका सम क्या हो सकता है। सम ऑफ ऑल दी वर्टिकल इम्बेलेंस फोर्स, मतलब और सभी शियर फोर्स की बात कर रहे हैं हम, 90 डिग्री पे जितने भी फोर्स लग रहे हैं उसकी बात कर रहे हैं, ये हो गया शियर फोर्स। तो उसके लिए हमें साइन कन्वेंशन क्या यूज़ करना है। तो देखिए, अगर हम क्रॉस सेक्शन के, या तो हम क्रॉस सेक्शन के लेफ्ट या फिर राइट पे कैलकुलेट करेंगे, तो सपोज अगर हम ये क्रॉस सेक्शन है, ये पॉइंट है बीम का जहाँ पे हमें शियर फोर्स कैलकुलेट करना है, वहाँ से अगर हम लेफ्ट हैंड साइड पे कैलकुलेशन करते हैं तो हमारा साइन कन्वेंशन आएगा, नीचे जाने वाले फोर्सेस नेगेटिव लेंगे हम और ऊपर जाने वाले फोर्सेस पॉजिटिव लेंगे, लाइक अ ग्राफ, ऊपर जाने वाले पॉजिटिव नीचे जाने वाले नेगेटिव। और अगर हम क्रॉस सेक्शन के राइट हैंड साइड पे देखते हैं सभी फोर्सेस, तो इसका रिवर्स हो जाएगा, ऊपर जाने वाले फोर्सेस नेगेटिव हो जाएगा और नीचे जाने वाले पॉजिटिव। हमें दोनों याद रखने हैं, पर वेल सॉल्विंग न्यूमेरिकल हमें कोई एक ही फॉलो करना है, दोनों फॉलो नहीं कर सकते हम। एंड अगर हम बेंडिंग मोमेंट की बात करें तो बेंडिंग मोमेंट जो है वो शियर फोर्स की तरह नहीं है कि मतलब सिर्फ एक ही फोर्स है 90 डिग्री पे। बेंडिंग मोमेंट जो है वो या तो क्लॉकवाइज रहेगी, मतलब इस तरह से घूमेगी लाइक अ क्लॉक, या फिर एंटी क्लॉकवाइज, या फिर इस तरह से घूमेगी, क्योंकि ये बेंडिंग मोमेंट है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, क्योंकि और इसमें रेफरेंस पॉइंट है, रेफरेंस पॉइंट से फोर्स और परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना है, इसीलिए ये क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज रहेगी। तो यहाँ पे लाइक शियर फोर्स कोई भी क्रॉस सेक्शन से या तो हम लेफ्ट हैंड साइड या फिर राइट हैंड साइड पे एनालिसिस कर सकते हैं। तो अगर हम लेफ्ट हैंड साइड पे एनालिसिस करते हैं तो क्लॉकवाइज रहेगा पॉजिटिव और एंटी क्लॉकवाइज रहेगा नेगेटिव। और अगर हम राइट हैंड साइड जाते हैं क्रॉस सेक्शन से सभी मोमेंट्स, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि दो ही मोमेंट आएगी, नंबर ऑफ मोमेंट्स हो सकती है यहाँ पे, तो क्लॉकवाइज नेगेटिव हो जाएगा और एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव, बोथ आर रिवर्स ऑफ ईच अदर। बट टू अवॉइड द कन्फ्यूजन, हमें ये दोनों याद रखने हैं, बट टू अवॉइड द कन्फ्यूजन जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तब हम साइन कन्वेंशन फॉलो करेंगे टूवर्ड्स द लेफ्ट, दोनों में हम क्रॉस सेक्शन से या फिर कोई भी पॉइंट से लेफ्ट हैंड साइड ही एनालाइज करेंगे, जहाँ पे नीचे जाने वाले फोर्सेस नेगेटिव और ऊपर जाने वाले पॉजिटिव रहेंगे शियर फोर्स में, और बेंडिंग मोमेंट में क्लॉकवाइज रहेगा पॉजिटिव और एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव, क्योंकि एक साथ हम दोनों याद रखेंगे तो इट माइट क्रिएट अ कन्फ्यूजन। सो फ्रेंड्स, दिस इज ऑल अबाउट द साइन कन्वेंशन इन शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। दिस इज ऑल अबाउट द 9th पार्ट। वेट फॉर द 10th पार्ट ऑफ द टॉपिक शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। थैंक यू फॉर वॉचिंग।